years of I congratulate you. मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ आपको, नहीं तो जो है ना जो कि अस्सलाम वालेकुम आदाब गुड मॉर्निंग। आज शुपया की इस सरजमीन पर जो डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर दिल तो हमारी और हमारी जिम्मेदारी, हमारी मतलब एज एन एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जिम्मेदारी समझते तो राजपुर के लोगों को पता ही है कि जो भी हमने केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स यूज़ किए कि उसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं हमारे फील्ड में, सारा कुछ दिख रहा है। ग्रोवर को ये सारा कुछ पता है, इसलिए हम प्रमोट कर रहे हैं 2005 से हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक में आए और अपनी खेती को, अपने फूड को, अपनी इंडस्ट्री को बचाए ताकि फ्यूचर में हम अच्छी रेट और अच्छे मुआवजे से मार्केट में जो भी प्रॉब्लम चल रही है लोगों को कि अच्छी रेट नहीं आ रही है, पिछले 15 सालों से वही रेट है और भी फार्मर को वही मिल रही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो 3 गुना रेट उनको बाजार में मिलती है। तो कोशिश करनी चाहिए हर एक फार्मर को कि केमिकल को थोड़ा थोड़ा कम करके ऑर्गेनिक की तरफ आए और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दें। यहाँ साउथ कश्मीर में आज हमने शुपयान में एक फ्रूट मेले का जो इनका किया, इसमें इस साउथ कश्मीर के सारे केविकीज शामिल हैं और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग भी शामिल हैं और करीब 50 से ज़्यादा इसमें यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। मकसद ये था कि हम यहाँ अपने फार्मर्स को ये समझाएं, चूँकि एक फ्रूट बाउल है कश्मीर।